खिप्ता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी पूरी। तो चलिए हम जानते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। सूजी एक कटोरी, रिफाइंड आधा लीटर, मैदा 2 चम्मच, इसी चम्मच से नमक 1/4 चम्मच, सोडा थोड़ा सा। तो चलिए अब हम गोलगप्पे का आटा तैयार कर लेते हैं। सूजी डालेंगे, मैदा डालेंगे, नमक डाल देंगे और थोड़ा सा सोडा डाल देंगे। सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब चलिए हम पानी डालकर इसे गूंथ लेते हैं। सूजी को हम टाइट नहीं गूंथेंगे, ढीला गूंथेंगे। थोड़े देर में अपने आप ही टाइट हो जाएगा। अब हमारा आटा गूंथ चुका है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक ढककर के छोड़ देंगे। जब तक उधर आटा सेट हो रहा है, तब तक हम इधर पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पानी पूरी का पानी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। धनिया पत्ता 100 ग्राम, 1 नींबू, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 4 चम्मच इमली का पानी, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच उजला नमक, 1 चम्मच जल जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए इसे हम मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से पीस लेंगे। धनिया पत्ता डालेंगे, दोनों मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, इमली पानी डाल देंगे और नींबू का रस डाल देंगे। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। ये हमारा पीस चुका है, आप देख सकते हैं पीस चुका है। इसे हम एक बर्तन में छान लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डाल करके छान लेंगे। आप चाहे तो इसमें पुदीने का पत्ता डाल करके पीस सकते हैं। इसे हमने छान लिया है, इसे हम रख लेंगे। इसमें हम 1 लीटर पानी मिलाएंगे। काला नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, बचा लेंगे हम आलू में डालने के लिए। धनिया पाउडर डालेंगे, उजला नमक डालेंगे और जलजीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए ये पानी पूरी का पानी बनकर तैयार है। इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हमारा पानी पूरी का पानी बनकर तैयार है। अब चलिए हम पानी पूरी का आलू मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 उबले हुए आलू लिया है। एक बर्तन लेंगे,
आलू को हम अच्छी तरह से मिस लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब हमारा आलू अच्छी तरह से मैश हो चुका है, तो चलिए इसमें हम सभी मसाला डालेंगे। प्याज डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे, और जो हमने पेस्ट बनाया था धनिया हरी मिर्च नींबू अदरक का, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, सब हमने बचा लिया था वही मसाला हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और मिला देंगे। एक चौथाई चम्मच काला नमक मिलाएंगे, आधा चम्मच हम नमक मिलाएंगे। अब सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा पानी पूरी का आलू मसाला बनकर तैयार है। 15-20 मिनट हो चुका है। अब हमारा गोलगप्पे का आटा सेट हो चुका है, तो चलिए इसे मिला लेते हैं। छोटा छोटा हम लोई बना लेते हैं, तो चलिए इसे हम गोलगप्पे के लिए हम बेल लेते हैं। ऐसे हम बना लेंगे और चकला पर रखकर हम इसे हम बेल लेंगे। ना हम तेल लगाएंगे, ना हम घी लगाएंगे, ना हम आटा लगाएंगे, ऐसे ही हम इसे बेलेंगे। हम इसे ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे। इसे ज्यादा हम पतला नहीं करेंगे। अब इसे हम इसे करके हम ऐसे करके हम बना लेंगे। फिर दूसरा भी हम इसी तरह से बेल लेंगे, बना लेंगे। इसे भी हम उसी तरह हम काट लेंगे। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। देखिए अब ये हमारा बेला चुका है। अब चलिए अब इसे हम छान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर हम कढ़ाई चलाएंगे। कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। देखिए कितना सुंदर फूल रहा है। अब हम क्या करेंगे, गैस कम कर देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक
पलट पलट करके हम इसे तलेंगे। गैस हम कम कर देंगे, एक मिनट करीब इसे हम इसे पलट पलट करके इसे हम तलेंगे, तब गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम पलट पलट करके ट्राई कर रहे हैं। अब ये अच्छी तरह से हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं, देखिए इसी तरह हम सभी को छान लेंगे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा फूल रहा है। अब गैस हम मीडियम कर देंगे। फिर इसे हम एक मिनट तक इसे भी हम उसी तरह हम पलट पलट करके फ्राई करेंगे। गोलगप्पे डाल करके आप तुरंत गैस मीडियम कर दें, इससे क्या होगा आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे। अब गैस हम बंद कर देंगे। अब हमारा गोलगप्पे बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कितना क्रिस्पी बना है। देखिए तो चलिए अब हम आपको गोलगप्पे में पानी डाल करके दिखाते हैं। मसाला डाल करके एक बॉल में हम पानी निकाल लेंगे। एक बॉल में हम आलू मसाला निकाल लेंगे। चलिए हम बनाकर दिखाते हैं आपको। हम चोखा डालेंगे, थोड़ा सा हम चोखा डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। अब हमारा गोलगप्पा खाने के लिए तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।